स्टूडेंट, मैं आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं ऑपरेशन वाला। अभी हम लोग उसके बाद का क्वेश्चन सब बनाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप कंसेंट्रेशन के साथ सारे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। ओके, अब आ जाइए। एक क्वेश्चन देखिए, 6 का 4 एक क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग 5 नंबर तक क्वेश्चन बनाए हैं। 6 का 4 में है, इफ ओमेगा इज एन इमेजनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इफ ओमेगा इज एन इमेजनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्या है? इमेजनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। देन इवेल्युएट, तब हमको मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इसका हमको वैल्यू निकालना है। पहले आपको हम साइड से बता दें, ओमेगा क्या होता है? आप 11th क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे कि 1 का घनमूल होता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा साइड से लिख देते हैं, आप अगर जरूरत नहीं याद होगा तब आप लिख लीजिएगा, यूजफुल। पहला बात, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है घनमूल का सिंबल, ये हो गया क्यूब रूट्स ऑफ 1, क्यूब रूट्स ऑफ 1। तो 1 का घनमूल 3 जो होता है, एक होता है 1, दूसरा होता है -1 + √3i/2, और 1 का तीसरा घनमूल होता है -1 - √3i/2। जरा गौर करिए, 1 का घनमूल होगा, एक होगा 1, दूसरा होगा -1 + √3i/2, तीसरा होता है -1 - √3i/2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको नाम दे दिया ओमेगा। क्या नाम दे दिया? ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू हो गया -1 + √3i/2। और आपको बता दें, अगर आप -1 + √3i/2 का स्क्वायर करोगे तो इसका मान होगा -1 - √3i/2। क्या वैल्यू होगा? -1 - √3i/2। इसका मतलब ये हो गया 1, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया 1, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या हो गया? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं 1 का घनमूल। बोलो 1 का घनमूल। तो 1 का 3 घनमूल होगा, एक का नाम होगा 1, दूसरा का नाम होगा ओमेगा, तीसरा का नाम होगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 1 का घनमूल होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब दूसरा बात आपको बता दें, अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे, तीनों को जोड़ने का मतलब 1 में जोड़ेंगे -1 + √3i/2 को, फिर उसमें जोड़ेंगे -1 - √3i/2 को। अगर आप इस तीनों को जोड़ोगे, उसको जोड़ने से उसका वैल्यू आएगा 0। क्या आएगा? 0 आएगा। 1 - -1 + √3i/2 + -1 - √3i/2, अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो उसका वैल्यू आएगा 0। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट हो गया। क्या कॉन्सेप्ट हो गया? 1 + ωs² = 0। बोलिए, 1 + ω + ω² = 0। 1 + ω + ω² = 0, मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम होगा 0। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 0। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम होगा, यानी 1 + ω + ω² = 0। आपको दिक्कत होगा तो आप तीनों को जोड़ दीजिए, 1 - 1 + √3i/2 - 1 - √3i/2, तीनों को जोड़िए, 0 आएगा, यानी 1 + ω + ω² = 0 आएगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम क्या होता है? 0 होता है। एक और लाइन आप ध्यान रखिएगा, अगर आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करिएगा 1 × ω × ω² तो उसका वैल्यू होगा 1, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट होता है 1। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट होगा 1, यानी 1 × ω × ω² = 1। 1 × ω × ω² = 1। यही अगर 1 + ω + ω² कहोगे तो उसका वैल्यू होगा 0। 1 + ω + ω² = 0। 1 × ω × ω² = 1। आप कहोगे कैसे? आप तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना गुना इतना गुना इतना, 1 × -1 + √3i/2 × -1 - √3i/2। आप तीनों को गुना करो, उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। आप तीनों को जोड़ो, उसका वैल्यू 0 आ जाएगा।
यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा 0, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा 0, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा 1, मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट होता है 1, ओके। अब देखिए ओमेगा का पावर क्या है, 1 गुना ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा क्यू होगा, ओमेगा क्यू होगा, इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको पता चला ओमेगा क्यू का वैल्यू होगा 1। जरा गौर करिए, ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होगा, 1, ठीक है, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 हो गया। अब अगर हम ओमेगा के पावर 4 का बात करें, सोचिए ओमेगा का पावर कहीं 4 है, तो ओमेगा का पावर 4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम आराम से बोल सकते हैं ओमेगा का पावर क्यू गुना ओमेगा, क्योंकि आधार सेम रहता है तो गुना में पावर जुट जाता है, ओमेगा क्यू गुना ओमेगा। अब जहाँ ओमेगा क्यू है, बोलिए ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है, 1 1 होता है, 1 को ओमेगा से गुना करोगे तो क्या होगा, ओमेगा होगा, मतलब ओमेगा का पावर 4 का वैल्यू हो गया ओमेगा। अगर ओमेगा का पावर 4 का बात करें तो उसका वैल्यू होगा ओमेगा, ओमेगा का पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा। आवाज आइए एक और बात, अगर ओमेगा का पावर 5 कहीं दिखाई पड़ता है आपको, ओमेगा का पावर 5 को हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा क्यू गुना ओमेगा स्क्वायर, बोलिए ओमेगा क्यू गुना ओमेगा स्क्वायर। अब जहाँ ओमेगा क्यू है उसका मान होगा 1, और 1 गुना हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो 1 गुना ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया। एनी प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, समझ गए बात को, है, यानी अगर ओमेगा का पावर कभी 5 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, ओके, समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ छोटी सी बातें हैं 11th क्लास का जो हमने साइड से रिवीजन किया, 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और अगर हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को जोड़ेंगे तो उसका सम होता है 0, और अगर हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट होता है 1, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, और 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, याद रखना। अब आ जाओ, एक सवाल है, सवाल को बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी, क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में है इफ ओमेगा इज एन इमेजनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्या है, इमेजनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, इफ ओमेगा इज एन इमेजनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्या है, इमेजनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, देन इवैल्यूएट, अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, इस डिटरमिनेंट का मान निकालना है, ठीक है, कैसे मान निकालेंगे जरा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हमका सोल्यूशन तो सिर्फ इसी का करना है, ठीक है, क्वेश्चन को हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है, समझ गए बात को, और इसी को हम यहाँ से लिख देते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमको इसका करना है, इसको हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए डेल, डेल बराबर इतना हो गया, इसका हमको मान निकालना है, ठीक है। अब बताइए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम 1, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम 2, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम 3, अगर हम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ देते हैं, यहाँ क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। एक ऑपरेशन आप करिए, कॉलम 1 2 कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ठीक है, चाहते तो आप रो में भी जोड़ सकते थे, आर 1 प्लस आर 2 प्लस आर 3, कुछ भी हम ऑपरेशन कर दिया, हमने क्या किया, कॉलम 1 2 कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, हमने क्या किया, कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ा, फिर उसमें कॉलम 3 को जोड़ा, कॉलम 1 2 कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, बोलिए एनी प्रॉब्लम, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, अब आप इसको जोड़ दीजिए डेल बराबर, जोड़ते हैं फिर क्या होगा, जोड़ने पर आपका क्या होगा, जरा गौर करिए, यहाँ पे आपका होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आपका क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, ठीक है, डेल का बात करोगे, डेल का मान यहाँ क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ जोड़ो, इसमें देखो क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यहाँ जोड़ो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा दिया हुआ है, एक बार हमने लिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक बार लिखा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, एक बार हमने लिखा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा लिखा, अब दूसरा स्टेप को जस का तस उतार देंगे, यहाँ हम लिखेंगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, समझ गए बात को, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आपसे पूछना चाहते हैं, जरा हेल्प करिए,
ये जो आपका लिखा हुआ है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, बोलो इसका वैल्यू क्या होगा, बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो। अब यहाँ भी देखिए वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो, जीरो आया ना है। अब इस स्टेप में आप लिखिए इसको, अगला पहला कॉलम में क्या लिखोगे, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे आप क्या लिखोगे सर, जीरो। फिर यहाँ क्या लिखोगे जीरो, फिर यहाँ क्या लिखोगे जीरो, फिर यहाँ पे क्या हो गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, यहाँ क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, एनी प्रॉब्लम। अब बताइए ये जो आपको डिटरमिनेंट दिख रहा है, इस डिटरमिनेंट के पहला कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो है। यदि किसी डिटरमिनेंट के एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो होगा तो डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, जीरो हो गया, आंसर हो गया। कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट होता है इफ इच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो तो डिटरमिनेंट का मान जीरो होता है। अब बताओ पहला कॉलम का सारा एलिमेंट क्या है, जीरो है, इसका मतलब डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, जीरो होगा। प्रॉपर्टी था ना, है ना। आप सोचो कि डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग तोड़ सकते हैं, तो जब पहला कॉलम के लॉन्ग तोड़ेंगे जीरो गुना उसका कोवेक्टर, ये जीरो गुना उसका कोवेक्टर, ये जीरो गुना उसका कोवेक्टर, खत्म, इसका मान आ जाएगा जीरो। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थोड़ा जल्दी से लिखिए। आसान से सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन, तेजी से। सब मिटा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, समझ गए इस सवाल को आप। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन 6 का 5 है, लिखिए बोर्ड मॉडल BVI। आप गारंटी कर लीजिए पूछना ही पूछना है बोर्ड में, नहीं पूछने का कोई सवाल नहीं है। क्वेश्चन है इफ ABC आर इन AP, ABC किस में है, AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब क्वेश्चन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ABC किस में है, AP में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको मान किसका मान निकालना है, हमको मान निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ, डिटरमिनेंट ऑफ, जरा गौर करिएगा, पहले है 2y + 4, फिर है 3y + 5, फिर है 4y + 6। क्या डिटरमिनेंट हो, 2y + 4, 3y + 5, 4y + 6। दूसरा यहाँ दिया हुआ है 5y + 7, उसके बाद 6y + 8, फिर 7y + 9, फिर आ जाइए इधर, इधर आपका 8y + 8, फिर 9y + b, फिर 10y + c, हमको इसका वैल्यू निकालना है। 8y + a, 9y + b, 10y + c, हमको इसका वैल्यू निकालना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में 2 अंक में ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, समझ गए बात को। आइए अब देखिए सवाल में पहले क्या दिया हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। सवाल में दिया हुआ है ABC आर इन AP, ABC आपका AP में, आप 11th क्लास में एक चीज पढ़े हैं कि अगर तीन पद है, मान लो T1, T2, T3 आर इन AP, अगर T1, T2, T3 AP में है, इसका मतलब T2 - T1 = T3 - T2, माने अगर T1, T2, T3 AP में है, इसका मतलब है T2 - T1 = T3 - T2। उसी तरह अगर ऐसा दिया हुआ है ABC R in AP, इसका मतलब B - A = C - B, बोलो B - A = C - B, ओके। अब इस सवाल का अगर हम यहां से सॉल्यूशन करते हैं, जरा गौर करिए इसके सॉल्यूशन में, है ना। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में अगर आप इसका करते हैं तो आप क्या लिखोगे, क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ए बी सी आर इन ए पी। ए बी सी किसमें है, ए पी में है। ए बी सी किसमें है, ए पी में। ए बी सी आर इन ए पी। ए बी सी किसमें है, ए पी में है, है ना। अगर ए बी सी ए पी में होगा इसका मतलब होगा बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। बी को उठा के धर लाओ, ध्यान दीजिए बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी मैंने टू बी बराबर होगा ए प्लस सी, या टू बी बराबर होगा सी प्लस ए। बोलो यस या नो, टू बी बराबर होगा सी प्लस ए या ए प्लस सी। बोलो यस या नो, ऐसा मामला है। ध्यान दीजिए, यानी सवाल में साफ साफ दे दिया कि ए बी सी ए पी में है। ए बी सी किस में है, ए पी में है। अगर ए बी सी ए पी में होगा इसका मतलब है बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। बोलो बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, यानी बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, यानी टू बी बराबर ए प्लस सी। बोलो टू बी बराबर ए प्लस सी। यस, अब आपके पास ये डिटरमिनेंट है, इसका आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इसका स्वाभाविक एलिमेंट्री ऑपरेशन तो घटा ही पड़ेगा। आप लिखो डेल का मान, डेल बराबर देखो ये इसका मान निकालना है। डेल बराबर क्या सब चीज दिया हुआ, यहाँ आपको पहले दिया हुआ है टू वाई प्लस फोर थ्री वाई प्लस फाइव फोर वाई प्लस सिक्स। दूसरा स्टेप में लिखते हैं फाइव वाई प्लस सेवन सिक्स वाई प्लस एट, ठीक है। उसके बाद है सेवन वाई प्लस नाइन, तीसरा कॉलम में एट वाई प्लस ए नाइन वाई प्लस बी टेन वाई प्लस सी। बोलिए दिख रहा है आपको। अब है क्या, आखिर हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा ही यहीं पे समझा देते हैं। एक बात देखो, इसका नाम है आपका आर वन, क्या नाम है आर वन। इसका नाम है आपका क्या, आर थ्री। आर थ्री है आपका, आर वन और आर थ्री हो गया। एक बात बताइए, अगर इन दोनों को आप जोड़ते हो तो क्या होता है। यहाँ देखो चार दो छः, टू वाई प्लस फोर वाई सिक्स वाई, और छः चार दस, यानी ये क्या हो गया सिक्स वाई प्लस दस वन। अब इसको आप दो से मल्टीप्लाई करो, थ्री वाई को दो से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स वाई, फाइव को दो से मल्टीप्लाई करेंगे टेन। अगर हम इसको घटा देंगे तो कट के जीरो हो जाएगा, है। जब भी हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं हमारा क्या टारगेट होता है, किसी सीधा में मतलब एक रो या एक कॉलम में हम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो हमने क्या किया, इसमें इसको जोड़ा, आर वन में आर थ्री को जोड़ा, फिर आर टू को दो से मल्टीप्लाई करके घटाया। इसमें इसको जोड़ो, देखो क्या होगा, सात पाँच बारह वाई, नौ सात सोलह, बारह वाई प्लस सोलह। इसको दो से मल्टीप्लाई करो, छः दुना बारह वाई प्लस आठ दुना सोलह, यानी आर वन में आर थ्री को जोड़ करके अगर उसमें आर टू को माइनस करते हैं दो से मल्टीप्लाई करके तो आसानी से हो जाता है जीरो, होता है कि नहीं होता है। आर वन प्लस आर थ्री माइनस टू टाइम्स ऑफ आर टू, बोलिए होता है कि नहीं होता है। अगर हम आर वन में आर थ्री को जोड़ के उसमें आर टू को माइनस करके टू से मल्टीप्लाई करके आसानी से हमारा मान इसका जीरो आ जाता है। बोलो आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो हमारा क्या टारगेट होता है, एक सीध में जीरो, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाने का प्रयास करना है, जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो, ठीक है। अब आ जाइए, हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करेंगे, जरा गौर करिए। यहाँ पे ये आपका हो गया आर वन, ये हो गया आपका आर वन, और ये आपका हो गया आर थ्री। ऑपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, आर वन टू, आर वन प्लस आर थ्री माइनस टू टाइम्स ऑफ आर टू। आर वन में आर थ्री को जोड़ करके, ठीक है, आर वन में आर थ्री को जोड़ करके उसमें आर टू को दो से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए चार दो छ वाई प्लस छः चार दस, सिक्स वाई प्लस टेन हुआ, और इसको दो से मल्टीप्लाई करो तो भी सिक्स वाई प्लस टेन हुआ। समझ गए बात को, ठीक है। अगर आपको ये बड़ा ऑपरेशन लगेगा एक बार में आर वन में आर थ्री को जोड़ना फिर आर टू को टू से मल्टीप्लाई करके घटा देना, ऐसा भी आप कर सकते हो, है ना। लेकिन आप डायरेक्ट ही यहाँ पे कर लीजिए तो आपके डेल का अमाउंट देखिए क्या होगा, ऊपर में आर वन प्लस आर थ्री करिए, ये देखिए क्या होगा, चार दो छः वाई प्लस छः चार दस, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा
सिक्स वाई, थोड़ा हम बच्चा जैसे कर देते हैं, सिक्स वाई प्लस टेन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। डायरेक्ट आप दस लिख देना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो सिक्स वाई प्लस टेन, इसको दो से मल्टीप्लाई करके घटाओगे ना, ये आपका आर टू है, आर टू को दो से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, तीन दूना छ माइनस सिक्स वाई, पांच दूना दस माइनस दस, बोली होगा। फिर यहां भी देखिए आर वन में आर थ्री को जोड़िए, सात पांच बारह वाई, बारह वाई इधर देखिए नौ सात सोलह प्लस सोलह, फिर आर टू को दो से मल्टीप्लाई करके घटाओ, छह दूना बारह माइनस आठ बारह वाई माइनस दो गुना आठ सोलह माइनस सोलह हो जाएगा, इसको दो से मल्टीप्लाई करके घटाए। फिर यहाँ भी आर वन में आर थ्री को जोड़ो, आर दस आठ अठारह, अठारह वाई प्लस ए प्लस सी, फिर इसको दो से मल्टीप्लाई करो, नौ दूना अठारह वाई, इसको भी दो से मल्टीप्लाई किया माइनस टू बी, बोलिए कोई परेशानी है डिटर्मिनेंट में, कोई परेशानी का बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा यहाँ पे, यहाँ ऐसी सूची है आपका डिटर्मिनेंट है, ओके समझ गए। क्या किया, आर वन में हमने आर थ्री को जोड़ा, आर वन में आर थ्री को जोड़ा, उसमें फिर आर टू को दो से मल्टीप्लाई करके घटा दिया, बाकी अब आर टू आर थ्री जस्ट का तो इसको क्या लिखोगे, थ्री वाई प्लस फाइव, ये आपका क्या होगा सिक्स वाई प्लस टेन, ये एट, ये आपका क्या है नाइन वाई प्लस बी, और नीचे में फोर वाई प्लस सिक्स, यहाँ क्या होगा सेवन वाई प्लस नाइन, यहाँ पे क्या होगा टेन वाई प्लस सी, बोलो यस या नो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब देखिए कौन कौन कटने वाला है आपको फटाफट पता चल जाएगा, सिक्स वाई टेन टेन कट जाता और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ जीरो लिख सकते थे, तो डेल का मान देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा जीरो, यहाँ क्या होगा थ्री वाई, ऊपर में क्या होगा डेल का मान में देखिए डेल बराबर, यहाँ पहले क्या लिखेंगे जीरो, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए बारह वाई बारह वाई सोलह सोलह खत्म, और जीरो थ्री वाई प्लस फाइव, फिर यहाँ देखिए फोर वाई प्लस सिक्स, फिर यहाँ पे क्या होगा जीरो सिक्स वाई प्लस एट, फिर सेवन वाई प्लस नाइन लिख दिया। फिर तीसरा देखिए अठारह वाई प्लस में अठारह वाई माइनस में कट गया, ठीक है। अब वहां पे क्या बचा ए प्लस सी माइनस टू बी, आप लिख लीजिए ए प्लस सी माइनस टू बी, ठीक है। और नीचा में देखिए नाइन वाई प्लस बी, उसके बाद देखिए टेन वाई प्लस सी, जस्ट का तस, क्योंकि ऑपरेशन तो सिर्फ आर वन में हुआ है। अब देखिए अगला स्टेटमेंट डेल बराबर लिखिए जीरो थ्री वाई प्लस फाइव, नीचे फोर वाई प्लस सिक्स, फिर लिखिए जीरो सिक्स वाई प्लस एट, नीचे में अगला स्टेप में सेवन वाई प्लस नाइन, फिर यहाँ लिखिए जीरो नाइन वाई प्लस बी, फिर यहाँ लिखिए टेन वाई प्लस सी, कहा लिखा जीरो, ध्यान दीजिएगा ये ए प्लस सी माइनस टू बी है, ए प्लस सी माइनस टू बी है, हमने आपको सिखाया ए प्लस सी बराबर है टू बी, ए प्लस सी बराबर क्या है टू बी है, और ए प्लस सी में टू बी को घटाएंगे, इसका भी मान टू बी है, टू बी में टू बी चला जाएगा तो जीरो बचेगा। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम वन इक्वेशन एक से, इक्वेशन एक से, इक्वेशन एक से, एक से क्या है तो टू बी बराबर है ए प्लस सी, ये दोनों तो बराबर है, अगर हम ए प्लस सी में टू बी को घटाएंगे दोनों बराबर है तो जीरो हो गया है। अब बताओ इस डिटर्मिनेंट के एक रो का सारा एलिमेंट जीरो है, अगर किसी डिटर्मिनेंट के एक रो का सारा एलिमेंट जीरो होता है तो उस परिस्थिति में डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा जीरो होगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा जीरो होगा, एनी प्रॉब्लम। बहुत अच्छा सवाल है ये, बोर्ड मॉडल सवाल है, सारे बुक में दिया हुआ, एनसीईआरटी में भी है, तेजी से आप लिख लीजिए प्लीज। जल्दी से लिखिए, आइए अब जल्दी से इसको आप लिख चुके हैं बेटे, मान के चलते आप लिख चुके हैं, ओके। अब आइए सेवन नंबर का सवाल भी देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन सेवन नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ x, x square और y z, इधर है
वाई वाई स्क्वायर और जेड एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर और वाई जेड, वाई वाई स्क्वायर और जेड एक्स, इधर है जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, इतना दिया हुआ है। ठीक है, इतना बराबर है वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई और वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, इतना हमको प्रूव करना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई बराबर, इतना हमको प्रूव करना है। अब देखिए इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, इस पर हम लोग विचार करते हैं। सबसे पहला मेरा एल एच एस देखिए क्या है, एल एच एस आपका है एक्स एक्स स्क्वायर और वाई जेड, एक्स स्क्वायर और वाई जेड, वाई वाई स्क्वायर और जेड एक्स, उसके बाद है जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोग ऑपरेशन करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। जरा गौर करिए, क्योंकि प्रूफ करने में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स लाना है, तो x माइनस वाई के लिए स्वाभाविक है इसमें इसको घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करते हैं, ये है कॉलम वन, ये है कॉलम टू, ये है कॉलम थ्री। ठीक है, एक बार हम कॉलम वन में कॉलम टू को घटा देते हैं, ऑपरेशन हो गया कॉलम वन टू, कॉलम वन माइनस कॉलम टू। एक बार कॉलम वन में कॉलम टू को घटा दिया, फिर दूसरा ऑपरेशन करते हैं कॉलम टू टू, कॉलम टू टू, कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री। एक बार हमने कॉलम वन में कॉलम टू को घटाया, फिर कॉलम टू में कॉलम थ्री को घटाया, एक बार कॉलम वन में कॉलम टू को, फिर कॉलम टू में कॉलम थ्री को हम लोग घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यहाँ ऑपरेशन अगर हम करेंगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहला स्टेप में देखिए एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब उसके बाद इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर इधर वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इधर घटाइए वाई माइनस जेड, ये आपका होगा वाई माइनस जेड, इधर घटाइए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको घटाएंगे जेड एक्स माइनस एक्स वाई, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, लिख दिया। अब तीसरा कॉलम को लिखिए, इसमें होगा जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, लिख दिया आराम से। पहले हमने क्या लिखा, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स, इधर वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, फिर इधर जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, साफ साफ लिख दिया आराम से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, उसका मतलब होगा एक्स माइनस वाई गुना एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, उसको लिखेंगे वाई माइनस जेड गुना वाई प्लस जेड। ये क्वेश्चन का आर एच एस है, इसको मिटा देते हैं, अभी बनाएंगे ही, आप देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा मिटा देते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं होगा। ओके, आ जाइए। अब यहाँ देखिए, पहला स्टेप में ये आपका हो गया बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको अगर तोड़ते हैं एक्स माइनस वाई। ठीक है, और अगला दूसरा स्टेप को देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर हम तोड़ते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स माइनस वाई गुना एक्स प्लस वाई बोलिए कहेंगे। अब वाई जेड माइनस जेड एक्स में, वाई जेड माइनस जेड एक्स में जेड को अगर आप कॉमन लीजिएगा तो होगा वाई माइनस एक्स, जेड को कॉमन लेंगे तो वाई माइनस एक्स, लेकिन अगर माइनस जेड को कॉमन लेते हैं, अगर इन दोनों में माइनस जेड को कॉमन लेंगे तो आपका क्या होगा, एक्स माइनस वाई, माइनस जेड को कॉमन लेंगे तो आपका होगा एक्स माइनस वाई, बोलिए यस या नो है। अब दूसरा कॉलम में देखिए आपका क्या है, वाई माइनस जेड, अब यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में क्या होगा, वाई माइनस जेड गुना वाई प्लस जेड। अब नीचे में देखिए जेड एक्स माइनस एक्स वाई में, जेड एक्स माइनस एक्स वाई में अगर माइनस एक्स को कॉमन लेंगे तो आपका क्या होगा, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड बोलिए होगा, और एक्स को कॉमन लेते तो जेड माइनस वाई होता। अब तीसरा कॉलम में आपका हो गया जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, पहला कॉलम में आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या, क्योंकि डिटरमिनेंट का स्वभाव है एक रो या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है,
तो पहला कॉलम में आपका x माइनस वाई कॉमन है, दूसरा कॉलम में y माइनस जेड कॉमन है, तीसरा कॉलम में z माइनस एक्स कॉमन है, तो पहला कॉलम में आपका x माइनस वाई कॉमन है, आराम से कॉमन लिया जा सकता है। दूसरा कॉलम में आपका y माइनस जेड कॉमन है, आराम से कॉमन लिया जा सकता है। बोलो यस या नो, कॉमन ले लीजिए। पहला कॉलम में से x माइनस वाई को कॉमन लिया, दूसरा कॉलम में से y माइनस जेड को कॉमन लिया। अब यहाँ बचा क्या, अब यहाँ देखिए जो बचा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला कॉलम में से x माइनस वाई को कॉमन लिया, दूसरा कॉलम में से y माइनस जेड को कॉमन लिया। अब यहाँ आपका बचा वन, उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ आपका बचा वन, उसके बाद नीचे लिखेंगे x प्लस वाई, फिर आपका यहाँ क्या लिखेंगे माइनस जेड। जरा गौर करिए यहाँ आपका क्या बचा वन, चूंकि x माइनस वाई को आपने कॉमन ले लिया, यहाँ आपका बचेगा x प्लस वाई, यहाँ आपका क्या बचेगा माइनस जेड, वन x प्लस वाई और माइनस जेड, यहाँ आपका क्या बचेगा वन, यहाँ आपका क्या बचेगा y प्लस जेड, यहाँ आपका क्या बचेगा माइनस एक्स बचा। अब इस साइड में देखो यहाँ पे आपका क्या बचेगा जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, बोलिए यस या नो है, आराम से हमने लिख दिया। यानी पहला कॉलम में से x माइनस वाई को कॉमन लिया, दूसरा कॉलम में से y माइनस जेड को कॉमन लिया, तीसरा कॉलम में तो कॉमन आएगा नहीं, लिख दिया आराम से। अब यहाँ पे सोचने वाला बात है क्या हो सकता है, x माइनस वाई माइनस जेड को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ भी बचा वन, यहाँ भी बचा वन, हमारा टारगेट है जीरो लाना है ना, किसी एक रो या एक कॉलम में, मैंने एक सीध में कम से कम दो जीरो लाना, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, अगर वन में वन को घटाएंगे हमको लगता है जीरो आने का चांस हो रहा है। बोलिए चांस हो रहा है कि नहीं चांस हो रहा है, इसका मतलब है कॉलम वन, इसका मतलब है कॉलम टू। तो हम क्या करते हैं, कॉलम वन में एक बार कॉलम टू को हम घटा देते हैं, ठीक है। ऑपरेशन क्या हो गया, अगेन यहाँ ऑपरेशन हो गया कॉलम वन माइनस कॉलम वन, ऐसा लिखिए कॉलम वन टू, कॉलम वन माइनस कॉलम टू, ठीक है। जिसमें ऑपरेशन करते हैं वो आगे होता है, कॉलम वन माइनस कॉलम टू, कॉलम वन में कॉलम टू को घटा दिया, यहाँ आपका अब क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स माइनस वाई, यहाँ आपका बचेगा वाई माइनस जेड, ठीक है। अब इधर वाला बात लिखिएगा, इस साइड में वन को घटाइए क्या बचा जीरो, अब x प्लस वाई में y प्लस जेड को घटाइए तो आप कैसे लिखोगे, देखो x प्लस वाई माइनस जेड, बोलो बचेगा। अब माइनस जेड में इसको घटाएंगे तो माइनस जेड और माइनस ऑफ माइनस एक्स, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा है, ओके। यहाँ हमने क्या लिखा जीरो, वन में वन गया जीरो, इधर एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इधर माइनस जेड और माइनस ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि कॉलम वन में कॉलम टू को हम माइनस कर रहे हैं। अब कॉलम वन में अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो कॉलम टू और कॉलम थ्री में कोई चेंज नहीं आएगा, जिसमें ऑपरेशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसी में चेंज आएगा, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब कॉलम टू जस का तस, कॉलम टू में देखिए क्या होगा, पहले होगा वन, उसके बाद है वाई प्लस जेड, उसके बाद क्या है माइनस एक्स, फिर यहाँ क्या है जेड, यहाँ क्या है जेड स्क्वायर, यहाँ क्या होगा एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, बोलिए यस या नो, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये प्लस वाई माइनस वाई कट गया, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, कट गया। अब चलिए जो बचा फिर से हम लोग कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन हमको लगता है आपको इसके बाद लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, यहाँ तक सब दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे ये आपका हो गया एक्स माइनस वाई, ठीक है, y माइनस जेड, इसमें देखिए यहाँ पे आपका है जीरो, यहाँ है x माइनस जेड, ये दिया माइनस माइनस प्लस x माइनस जेड, बोलिए है कि नहीं है। यानी पहला कॉलम में आपको क्या क्या दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है जीरो, इसमें आपको दिख रहा है x माइनस जेड, नीचे में भी आपको क्या दिख रहा है x माइनस जेड, दिख रहा है जीरो x माइनस जेड x माइनस जेड, फिर यहाँ आपको क्या दिख रहा है दूसरा कॉलम में वन y प्लस जेड, फिर यहाँ दिख रहा है माइनस एक्स, फिर यहाँ दिख रहा है जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, आराम से हमने लिख दिया। बोलिए कोई समस्या का बात है, कोई समस्या का बात नहीं है। अब अगर पहला कॉलम को गौर से देखोगे जीरो x माइनस जेड x माइनस जेड, जीरो में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है,
अगर आपको मन होगा अक्सर हम जीरो में से एक्स माइनस जेड को कॉमन लेंगे, नो टेंशन, आप ले सकते हैं। क्यों भैया? क्योंकि देखिए जीरो को हम आराम से लिख सकते हैं जीरो गुना एक्स माइनस जेड, तो जीरो में से हम आराम से इसको कॉमन ले सकते हैं, जीरो में से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पहला कॉलम जो आपको दिखता है, तो पहला कॉलम में से हम एक्स माइनस जेड को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद देखा जाएगा क्या आता है। ओके, समझ गए बात को? थोड़ा जल्दी से लिखे जो हमको समझाने में सहूलियत हो। ये स्टेप कम से कम आप लिख लीजिए तेजी से, ये दो स्टेप आप लिख लीजिए थोड़ा जल्दी। लिख चुके हैं सब? ओके, थैंक यू वेरी मच। इतना मिटा सकते हैं। अब आ जाइए, देखिए आपका यहाँ क्या बचेगा, पहला कॉलम यहाँ हुआ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक है। ये दोनों में एक्स माइनस जेड को कॉमन लिया, तो इधर हमने लिख दिया एक्स माइनस जेड, ठीक है। बाद में देखा जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। फिर आप डिटर्मिनेंट में क्या सा बचा उसको आप बारी बारी से लिखो। यहाँ पे आपका क्या बच गया, देखिए पहला कॉलम में, पहला कॉलम में आपको बचा जीरो वन वन, एक्स माइनस जेड को कॉमन लिया तो वन, एक्स माइनस जेड को कॉमन लिया तो वन, जीरो वन वन बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या बचेगा, वन, यहाँ वन लिख देंगे, फिर यहाँ वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड लिखेंगे, फिर माइनस एक्स, वन वाई प्लस जेड और माइनस एक्स, फिर यहाँ क्या होगा जेड जेड स्क्वायर, फिर यहाँ होगा एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। बोलिए कोई तकलीफ का बात है? यहाँ हमने क्या लिखा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड, बोलिए बचेगा? अब पहला कॉलम में हमने जैसे एक्स माइनस जेड को कॉमन लिया, यहाँ बचेगा जीरो वन वन, जीरो वन वन, फिर यहाँ बचेगा वन वाई प्लस जेड माइनस एक्स, फिर उधर बचेगा जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, दोनों तरफ आपका वन दिख रहा है, वन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर दोनों तरफ आपका वन दिख रहा है, इसका मतलब हम पहला कॉलम में से, ध्यान दीजिएगा, इस वन में अगर हम वन को घटा देंगे, इसका नाम होगा आर टू, ठीक है, इसका नाम होगा आर थ्री, इसका ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है। आर टू में अगर हम आर थ्री को घटा देंगे, आर टू में अगर हम आर थ्री को घटा देंगे, तो यहाँ आपका क्या बचेगा, जीरो बचेगा, जीरो बचेगा कि नहीं बचेगा? एक सीध में दो जीरो आ जाएगा। ऑपरेशन हम कैसा करेंगे, आर टू टू, आर टू टू, आर टू माइनस आर थ्री, अब आर टू में आर थ्री को घटा देंगे, क्यों भैया? एक जीरो और लाने के लिए, एक सीधा में ज्यादा जीरो लाने के लिए, ऐसा हम लोग करेंगे। ये आपका यहाँ बचा एक्स माइनस वाई, फिर यहाँ बचा वाई माइनस जेड, फिर यहाँ बचा एक्स माइनस जेड, फिर यहाँ गौर से करिए यहाँ पे क्या बचा, जीरो। यहाँ देखिए वन में वन घटाएंगे, पहले आर वन को लिख दीजिए जीरो वन जेड, अब आर टू में वन को घटाएंगे जीरो, बचाना। फिर बोलिए y माइनस जेड में x को घटाना है, तो क्या होगा, देखिए y प्लस जेड में अगर x को घटाइएगा तो y प्लस जेड का माइनस ऑफ माइनस एक्स, यही होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर हम y प्लस जेड में इसको घटाएंगे तो ये जुट जाएगा, ये आपका हो जाएगा y प्लस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स, फिर जब इसमें इसको घटाइएगा ये आपका क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बोलिए होगा? ये होगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, कॉलम थ्री जस का, आर थ्री जस का तस, वन माइनस एक्स और एक्स वाई, वन माइनस एक्स और एक्स वाई, बोलिए यस या नो, कोई इसमें परेशानी का बात है? वन माइनस एक्स और एक्स वाई कोई परेशानी की बात नहीं है, समझ गए बात को? विश्वास करते हैं आप इस स्टेप को आराम से समझ रहे होंगे, ठीक है। क्या किया हमने, R2 में R3 को घटाया, तो माइंड में प्रश्न उठता है आखिर क्यों क्यों क्यों? इसका एक ही आंसर है, एक सीध में ज्यादा से ज्यादा जीरो लाने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, आंसर पाने के लिए, कोरोना वायरस को भगाने के लिए, ऐसा हम करते हैं, समझ गए बात को? इसलिए हमने क्या किया, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, इसमें इसको घटा देंगे। अब कहोगे सर यहाँ भी वन है, इसके सीधा में यहाँ तो वन नहीं है, नहीं तो हम वहां भी कर सकते थे। तो हमने क्या किया, R2 में R3 को घटाया, जैसे ही R2 में R3 को घटाया तो 1 में 1 गया 0, अब y प्लस z माइनस ऑफ माइनस x, यानी y प्लस z प्लस x,
इधर हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, लिख दिया आराम से, इधर वन माइनस एक्स और एक्स वाई, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। अब गौर करोगे तो आपको लगेगा कि सर पहला कॉलम में दो जीरो है, पहला कॉलम में दो जीरो है, मतलब इस डिटरमिनेंट को आसानी से पहला कॉलम के अलोंग तोड़ा जा सकता है, समझ गए बात को? ठीक है, कैसे भैया? ध्यान देना, ये जीरो गुना इसका कोफैक्टर खत्म, ये जीरो गुना इसका कोफैक्टर खत्म, ये वन गुना इसका कोफैक्टर बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? मतलब यहाँ आपका होगा एक्स माइनस वाई, फिर यहाँ होगा वाई माइनस जेड, फिर यहाँ होगा एक्स माइनस जेड, फिर यहाँ होगा वन। और वन के कोफैक्टर का बात करेंगे तो वन का कोफैक्टर क्या सब होगा, ध्यान दीजिएगा, वन के कोफैक्टर का बात करोगे तो यहाँ वन का कोफैक्टर होगा आपका, ये देखिए वन, और उसके बाद इधर हो गया y प्लस जेड प्लस एक्स, वन के बाद y प्लस जेड प्लस एक्स, फिर यहाँ आपका क्या होगा z, और यहाँ पे आपका क्या होगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बोलिए बचेगा? यहाँ होगा वन और यहाँ होगा y प्लस जेड प्लस एक्स, यहाँ होगा z और यहाँ नीचे में आपका क्या होगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बोलो एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तोड़ने का प्रयास करेंगे आपके सामने में, ठीक है? इधर जो लिखा हुआ है तेजी से कृपया आप इसको लिख लें जल्दी से, जो हमको समझाने में सहूलियत हो, थोड़ा सा रुकिएगा प्लीज, वेट, तब तक आप उसको तेजी से लिख लीजिए, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग। लिखिए सब, लिखे, मिटा सकते हैं उसको, थोड़ा मिटा देते हैं, ये स्टेप तो समझा हुआ है। अब देखिए, अब स्वाभाविक है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बराबर एक्स माइनस वाई गुना वाई माइनस जेड गुना एक्स माइनस जेड लिख दिया, फिर यहाँ मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट मतलब जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट यानी जेड गुना वाई प्लस जेड प्लस एक्स, बोलिए होगा, होगा कि नहीं होगा? पहले हमने कैसे लिखा, ये हमने लिखा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और गुना एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड गुना एक्स माइनस जेड, इधर इसको इससे गुना करेंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस और जेड इंटू y प्लस जेड प्लस एक्स लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर x माइनस वाई और y माइनस जेड गुना x माइनस जेड गुना, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड को y से गुना करिए माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स, बोलिए होगा? देखिए जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स लिख दिया, क्या क्या कटने का चांस है जरा गौर करिए, जेड स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में कट गया, कटा, अब ये आपका बच गया बराबर एक्स माइनस वाई गुना वाई माइनस जेड गुना एक्स माइनस जेड, बोलिए हुआ? ऐसा करते हैं एक्स माइनस जेड को थोड़ा आंसर पुराने के लिए माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा एक्स माइनस जेड से जेड माइनस एक्स हो जाएगा, होगा? अब ये तीनों में माइनस है आगे, तीनों से माइनस को चिन्ह को कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या होगा पहले एक्स वाई लिखिए उसके बाद लिखिए इसको प्लस वाई जेड लिख दीजिए अच्छा रहेगा, प्लस जेड एक्स लिख दीजिए अच्छा रहेगा, नो प्रॉब्लम है? अब इसका माइनस गुना माइनस प्लस, अब यहाँ बचेगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ठीक है, गुना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, बोलिए कोई तकलीफ का बात है?
विश्वास करते हैं आसानी से आप इस सवाल को समझ जाएंगे। RHS हो गया, प्रूव्ड हो गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से लिख लीजिए आप। इसके बाद हम लोग आगे कॉन्सेप्ट आपको अभी तुरंत बताएंगे, फिर हम आपको एक सवाल बताएंगे 8 नंबर का, ठीक है, पहले फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बताएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट, जल्दी से लिखिए। अच्छा सवाल है, एक बार इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार बना लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। हो गया, अब एक छोटा सा लिख चुके हैं, इसको आप मिटा दें। विश्वास करते हैं सारा सवाल को आप समझ गए होंगे, आप सब घर में सारे क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस करेंगे, समझ गए बात को, जो आसानी से बोर्ड परीक्षा में आप सारे सवाल को बना सके, ठीक है। इसके बाद हम आपको अगले क्लास में जो बताएंगे, पहले एक कॉन्सेप्ट बताएंगे फैक्टोरियल का, एक्चुअल में ये 11th क्लास में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में है, फिर भी आपको फैक्टोरियल का बेसिक आइडिया बताएंगे, फिर फैक्टोरियल पे एक बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, पहले उसको बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे जो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो, आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स।